नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एलके ऑल इन वन चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं लौंग के तेल के बारे में जी हां दोस्तों लौंग का तेल जो है बहुत फायदेमंद है अगर आप जानोगे इसके फायदे तो वाकई में आप हैरान रह जाओगे कि लौंग का तेल इतना फायदेमंद है दोस्तों जो लौंग है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में एक मसाले के रूप में सब्जियों में डालते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है उसकी पर मैं आपको बता दूँ जो लौंग का तेल है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं लौंग के तेल के दोस्तों जो लौंग है उसका जो वृक्ष है वो मीडियम सी हाइट का होता है बहुत ज़्यादा उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जो लौंग का इस्तेमाल है दोस्तों ये अभी से नहीं ये बहुत पुराने समय से जो है लौंग का इस्तेमाल हो रहा है और यही नहीं दोस्तों जो लौंग है लौंग का तेल जो है वो हमें मिलता है डिस्टिल्ड क्लोव बर्ड्स से वो जो उसके फूल होते हैं उसको जो है वहाँ से हमें लौंग का तेल जो है वो मिलता है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो लौंग का तेल है इसमें लौंग में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं यूजिनॉल होता है थाइनॉल होता है दोस्तों इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए तो अच्छा है लेकिन हम इसके और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं लौंग के तेल के फायदे तो मेरे साथ जुड़ा रहिए मेरा वीडियो जो है वो लास्ट तक देखते रहिए एक ज़रूरी बात और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि यूट्यूब पर मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक्स तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लौंग का तेल जो है वरदान है दांतों के लिए अगर मैं दांतों की बात ना करूं लौंग के तेल को लेकर तो वो बहुत ही गलत होगा क्योंकि लौंग का तेल जो है वो बहुत ही अच्छा है हमारे दांतों के लिए कई बार दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है मसूड़े जो हैं वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि जो लौंग है लौंग का तेल जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक तो मैंने आपको पहले बताया कंपाउंड्स होते हैं यूजिनॉल जो कि आपकी रक्षा करता है दांतों में अगर आपके पेन है दर्द है सोर गम्स है अल्सर है यही नहीं दोस्तों जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कई बारी हम ब्रश तो करते हैं लेकिन हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है उसको भी ये ठीक कर देता है उसके लिए आपने करना क्या है उसने आप उसके लिए आपने इसको डिल्यूट कर देना है आपने चार बूंदें लेनी है लौंग के तेल की उसे आपने ज़रा गर्म पानी में आपने डालना है और उसके आपने गरारे करने हैं गागल्स करने हैं जो आपके मुंह से दुर्गंध आती है वो भी ठीक हो जाएगी यही नहीं दोस्तों अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप लौंग के तेल में कॉटन जो है रुई को रुई में आपने तेल में भिगो लेना है उसके बाद जिस जगह पर आपके दांत में दर्द हो रही है आपने उसको वहाँ पर रख लेना है और दोस्तों उसको आपने रखना है पाँच से दस मिनट के लिए और आपने उसको अच्छे से बाइट कर लेना है उस जगह से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 10 मिनट के लिए रखिए अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसको पाँच मिनट के लिए रख कर आप उसको निकाल सकते हैं यही नहीं दोस्तों आप इसको मिक्स कर सकते हैं इसके साथ ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल में आप दो दो से तीन बूंदे जो है वो लौंग के तेल की डालिए उसको कॉटन में डिप कीजिए और उसका कॉटन का बॉल जो है वो अपनी जहाँ पर आपके सोर गम्स हैं जहाँ पर स्वेलिंग हो चुकी है आप वहाँ पर रख सकते हैं इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों लौंग का तेल जो है एंटीसेप्टिक गुण होते हैं इसमें एंटीसेप्टिक गुणों के कारण इंसेक्ट बाइट प्रिकली हीट फंगल इन्फेक्शन आदि में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो अगर इन्फेक्शन है या कोई बहुत ज्यादा आपको समस्या आ गई है तो लौंग का तेल जो है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों इसे हम इस्तेमाल करते हैं अगर कहीं चोट लग गई है फंगल इन्फेक्शन है कट लग गया है प्रिकली हीट से अब इसमें आपने करना क्या है इसने हमेशा आपने इसको डिल्यूट करके ही लगाना है आप इसमें कोई कैरियर ऑयल डाल सकते हैं जैसे आलमंड ऑयल डाल लिया कोकोनट ऑयल डाल लिया और जिन व्यक्तियों की सेंसिटिव स्किन होती है तो दोस्तों उनको मैं आप बता दूं कि उन पहले अपनी सेंसिटिविटी चेक करके फिर ही लौंग का तेल जो है अपने बर्न्स पे या से जहाँ पर आपके चोट लगी है जहाँ पर आपके इन्फेक्शन हुई है वहाँ पर लगाएँ क्योंकि आपके जो है जलन हो सकती है तो आपने डायरेक्ट लगाने की बजाय आप इसमें कोई भी कैरियर मिक्स कर लीजिए नारियल का तेल मिक्स कर सकते हैं आप आलमंड ऑयल मिक्स कर सकते हैं दोस्तों लौंग का तेल जो है तनाव से भी राहत दिलाता है आपने करना क्या है आपने लौंग के तेल की मसाज करनी है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए पेन को दूर करने के लिए मेंटल एग्जॉशन फैटीग एंजाइटी बहुत ज़्यादा टेंशनस हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है लाइफ टाइम नहीं है किसी के पास अपने लिए तो आपने क्या करना है लोंग का तेल जो है वो आपकी स्ट्रेस को भी कम करता है दोस्तों लौंग का तेल खांसी जुकाम साइनोसाइटिस अस्थमा आदि सांस संबंधी दिक्कतों में भी राहत दिलाता है अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इस लौंग के तेल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका कूलिंग इफेक्ट होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों इसकी नेजल कैविटी में और यही नहीं दोस्तों ये जो पैसेज है ये जो नेजल पैसेज है उसको भी ये बिल्कुल साफ़ कर देता है जिसकी वजह से आपको ये जो दिक्कतें हैं खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा फायदे करेगी दोस्तों लौंग का तेल जो है कान दर्द में भी बहुत ही आराम देता है और बिल्कुल ही परफेक्ट रेमेडी है ये कान के तेल के लिए अगर आपके कान में दर्द है तो आपने दो चम्मच जो है सीसम ऑयल लेना है उसमें तीन से चार आपने बूंदे लौंग के तेल की डाल लेनी है उसे थोड़ा हल्का गर्म कर लीजिए और इस जब आपने गर्म कर लिया तेल आपने धीरे धीरे जो है इसे अपने कान में डालना है थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए फिर आप देखेंगे कि आपके जो कान दर्द है वो जाने लगेगी आपको राहत मिलने लगेगी दोस्तों लौंग का तेल जो है सिर दर्द से भी राहत दिलाता है अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपने लौंग के तेल का इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ आपने एक चम्मच जो है सी सॉल्ट लेना है दो चम्मच दोस्तों आपने उसमें आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल मिला लेना है इसमें दो से तीन बूंदें लौंग के तेल की मिला लीजिए और अब इस मिक्सचर को आपने यूज़ करना है अपने हेड को मसाज करने के लिए अपने सिर को मसाज करने के लिए इससे बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट होगा और आपको हेड में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा तो लौंग का तेल जो है शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप शुगर के मरीज़ हैं डायबिटीज़ हैं आपको तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लौंग का तेल है लौंग का तेल जो है इंसुलिन लेवल को जो है वो खून में ठीक करता है और जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो जाती है यही नहीं दोस्तों अगर आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो आ, इंसुलिन का ग्लूकोज का रिस्पॉन्स है उसके मैकेनिज्म का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा रेगुलेट होगा क्योंकि आपकी बॉडी में जो है लौंग के तेल का इस्तेमाल हो रहा है ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में फिनोल जो है वो होता है जो कि एक बहुत ही अधिक मात्रा में लौंग के जो वृक्ष है उसमें पाया जाता है जो कि डायबिटीज़ के मरीज के लिए बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों लौंग का तेल जो है वो पाचन संबंधी दिक्कतों जैसे अपच खाना नहीं बचता है और फारा बन जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है तो आपने करना क्या है जो लौंग का तेल है दोस्तों वो आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देता है खाना नहीं बचता है हिचकी आनी शुरू हो जा हो जाती है तो आप जो है लौंग के तेल का इस्तेमाल कीजिए इससे आपकी ये जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी लोंग का तेल है जो है दोस्तों वो एक बेहतरीन दर्द निवारक का काम करता है पेन रिलीवर का काम करता है इसमें आपने करना क्या है कुछ बूंदे जो हैं आप ले लीजिए लौंग के तेल की और इसे अपने जॉइंट्स पर जहाँ पर आपके दर्द है मसल्स पर जॉइंट्स पर आप इसको कर सकते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा दोस्तों लौंग का तेल जो है खून से हानिकारक पदार्थों को निकालता है और लीवर को भी स्वस्थ बनाए रखता है जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं आजकल लीवर संबंधी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अपना लीवर को आप बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखें तो आपने लौंग के तेल का जो है इस्तेमाल करना है इससे जितनी भी लीवर संबंधी दिक्कतें होगी कई बार फैटी लीवर हो जाता है साइज़ उसका बढ़ जाता है वो सारी जो परेशानियाँ हैं आपकी दूर हो जाएंगी क्योंकि ये इसमें बायो एक्टिव होते हैं जो कि लीवर की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं दोस्तों लौंग का तेल जो है कील मुहासों को ठीक करता है यही नहीं लौंग का तेल कील मुहासों को भी ठीक कर देता है इसमें एंटीबैक्टी एंटी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से आपके कील मुहा ठीक हो जाते हैं यही नहीं दोस्तों लौंग का तेल जो है वो बालों को झड़ना भी कम कर देता है आपने क्या करना है आपने थोड़ा सा जो लौंग का तेल है वो लगाना है अपने स्काल्प पर जिससे कि बाल जो झड़ते हैं आपके बाल बहुत ज़्यादा अगर गिरते हैं गिरने बंद हो जाएंगे झड़ने बंद हो जाएंगे आपके बाल लंबे होने जो है शुरू हो जाएंगे यही नहीं दोस्तों अगर जिस जगह पर आपके बाल बहुत कम हैं अगर आप वहाँ पर लगाएंगे तो आपके बाल जो हैं फिर से आने शुरू हो जाएंगे लौंग का तेल जो है दोस्तों हर पिस इन्फेक्शन को भी ठीक करता है इसमें एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हर पिस जो है हर पिस के वायरस को ये दूर कर देता है और अगर किसी भी व्यक्ति को हर पिस है तो उसने लौंग के तेल का इस्तेमाल करना है ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और दोस्तों लौंग का तेल आपके पेट के कीड़ों को भी खत्म कर देता है आपने करना क्या है सिर्फ कुछ बूंदे जो है लौंग के तेल की अपनी ड्रिंक में मिला लेनी है इससे आपके पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे लौंग का तेल एक बेहतरीन इंसेक्ट रिपेलेंट का भी काम करता है और बहुत ही कॉमन कॉम्पोनेंट है ये लौंग का तेल जो है बग्स के लिए इंसेक्ट्स के लिए इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग स्मेल होती है जो कि बहुत ही नुकसान करती है बग्स को तो इससे पहले समय में क्या होता था दोस्तों ये जो लौंग का तेल है तो लोग क्या करते थे सोने से पहले अपने बिस्तर पे जो है वो लौंग बिखेर लेते थे या लौंग का तेल जो है वो रख लेते थे अपने बिस्तर के आसपास इससे कि जो मॉस्किटोज हैं वो नहीं आते थे और जो बड बेड बग्स हैं वो भी दूर ही रहते थे और दोस्तों लॉन्ग का तेल एक बहुत ही अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है एडिटिक फ्लेवर होने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा जो है हम चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी तो ये एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब जान सके कि लौंग के तेल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और हाँ दोस्तों एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छी और बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए एल के ऑल इन वन चैनल स्वस्थ रहें खुश रहें थैंक यू दोस्तों